मृत्यु के समय क्या होता है, मृत्यु के बाद हमारे अस्तित्व का क्या होता है, मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमारा ध्यान हमेशा अपनी ओर खींचते हैं। क्या आपने ऐसा कभी नहीं सोचा कि इस जन्म से पहले आप क्या थे? पिछले जन्म में मेरी मृत्यु तो हुई होगी, कैसे हुई होगी, और अब जब मेरी मृत्यु होगी तो फिर मैं किसी और रूप में जन्म लूंगा, और ये प्रक्रिया ऐसी ही चलती रहती है जब तक कि हम मोक्ष को प्राप्त नहीं हो जाते। उस आत्मा के साथ क्या होता है जिसे मोक्ष प्राप्त हो चुका होता है? क्या इसका यह अर्थ हुआ कि अब उस आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होगा? दरअसल ऐसा कुछ नहीं होता। मोक्ष तो वह होता है जहां आपको पुनर्जन्म लेने और ना लेने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। समय बहुत बड़ी चीज है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कालोस्मि, यानी मैं ही समय हूँ। समय ही बनाता है और समय ही मिटा सकता है, यही समय का अटल नियम है। मृत्यु के समय क्या होता है यह जानने का बहुत बड़ा विषय है। वैसे हमारा यह मानव शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश। जब मृत्यु का समय आता है तो सबसे पहले मूलाधार चक्र से पृथ्वी तत्व बाहर आता है और फिर वह ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र की ओर गमन करता है। स्वाधिष्ठान चक्र जल तत्व का स्थान है। अब पृथ्वी तत्व जो मूलाधार चक्र से उठता है स्वाधिष्ठान चक्र पर आकर जल तत्व में परिवर्तित हो जाता है। उस व्यक्ति के हाथ और पैर ठंडे पड़ जाते हैं। क्या आपने कभी किसी के मृत्यु के वक्त ऐसा महसूस नहीं किया? अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अचानक उनके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे हैं। यह जल तत्व यानी स्वाधिष्ठान चक्र का विलय है। फिर जब स्वाधिष्ठान चक्र से जल तत्व का विलय होता है और आगे बढ़कर मणिपुर चक्र पर एकत्रित हो जाता है जो अब अग्नि तत्व बन जाता है। नाभि का यानी मणिपुर चक्र का ऊपरी भाग और अधिक गर्म हो जाता है, ये अग्नि तत्व का विलय है। फिर यह अग्नि तत्व आगे बढ़कर अनाहत चक्र यानी वायु तत्व में विलय हो जाती है, जिसके कारण शरीर में वाइब्रेशन होने लगती है, शरीर कांपने लगता है। यह अनाहत चक्र यानी वायु तत्व का विलय है। उसके बाद अनाहत चक्र से वायु तत्व आकाश तत्व में विलय हो जाता है, जिसे कंठ चक्र या विशुद्ध चक्र कहते हैं। अनाहत चक्र से उठा वायु तत्व विशुद्धि चक्र में किसी प्रकार विलय हो जाता है और विशुद्धि चक्र से एक आवाज उठती है। जब ऐसा होता है तो हमारे प्राण हमारी आँख, कान या मुंह से बाहर निकल जाते हैं। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका आँख या मुंह खुला रह जाता है। अब ब्रह्म का वह तत्व जो हर एक आत्मा में पाया जाता है उसका भी विलय हो जाता है। यही वह अवस्था है जब आंखें पलट जाती हैं और ब्रह्म तत्व विराट में विलीन हो जाता है। जो आत्माएं मुक्त हो चुकी हैं उनका ब्रह्म रंध्र के माध्यम से विराट में लय हो जाना संभव हो जाता है, जो कि सर के पिछले भाग में होता है। अगर आपने पुराने ऋषि मुनियों को देखा होगा तो सर के पिछले भाग में चोटी रखा करते थे जो कि ब्रह्म रंध्र का स्थान है। मुक्त आत्माएं इसी जगह से बाहर निकलती हैं। दुर्भाग्यवश हमारी परंपरा इस विचार से इतनी जकड़ी हुई है दाह संस्कार के समय इस भ्रांति के साथ कि आत्मा का निकास ब्रह्मरंध्र से होगा, कपाल यानी खोपड़ी पर उस जगह चोट की जाती है जिसे हम कपाल क्रिया कहते हैं। आप अगर दाह संस्कार में गए होंगे तो आपने कपाल क्रिया को होते हुए अवश्य देखा होगा। यह पूर्णतः अमानवीय है, यह एक तरह से हिंसा है। किसी भी मुक्त आत्मा को ऐसी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती, वो बस मुक्त हो जाती है। मृत्यु के समय ही वह अपने आप परे चली जाती है और विराट तत्व में विलीन हो जाती है। हमारी आत्मा का एक स्पंदन स्तर होता है। अगर यह सात्विक है तो सात्विकता का एक संपूर्ण स्पेक्ट्रम होता है। अगर यह तामसिक है तो तामसिकता का एक संपूर्ण स्पेक्ट्रम होता है। यह राजसिक है तो उसका भी एक अलग से संपूर्ण स्पेक्ट्रम होता है। यह जिस हद तक सात्विक, तामसिक या राजसिक होती है उन सभी को मिलाकर अनंत संभावनाएं होती हैं और उनके अनुसार
अनंत आयाम होते हैं। आत्मा के स्पंदन के अनुसार वह आयाम चुनेगी जो उसके स्पंदन स्तर से मिलता है। वह और कहीं नहीं जा सकती। जब हम जन्म लेते हैं तो यह संपूर्ण प्रक्रिया उलट जाती है। तो संक्षेप में यही सब है जो हमारे साथ मृत्यु के क्षण में होता है। आगे की किसी वीडियो में हम बात करेंगे कि एक मनुष्य का जन्म कैसे और किन प्रक्रियाओं के बाद होता है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आपके कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।